नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में टोटल 42 पदों पर जी हाँ दोस्तों, टोटल 42 पदों पर नई वैकेंसी जारी कर दी गई है और इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप यहाँ जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पदवार आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है और कौन कौन से पद है वो यहाँ लिखा गया है। टोटल आप देखेंगे तो 10 तरह के पद हैं जिसमें योग्यता अलग अलग रखा गया, जैसे कि यहाँ वर्ड बाय और वार्ड आया में देखेंगे तो 8वीं पास रखा जाता है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखें और आप जिसमें योग्यता रखते हैं उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, ये यहाँ पर टोटल पदों की संख्या कितना है, 42 पद है दोस्तों। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा डिटेल जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आगे जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ आप देख सकते हैं वेतन मान और शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी, इसमें सब में अलग अलग योग्यता रहता है। जैसे कि इसमें रेडियोग्राफर में 12वीं पास, इसके अलावा आपका क्या होना चाहिए, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसी तीनों विषय होना चाहिए और रेडियोग्राफर का कोर्स किए होने चाहिए और इसके अलावा आपका जीवित पंजीयन भी होना चाहिए पैरामेडिकल काउंसिल में। आप यहाँ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसमें देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये 8वीं पास लिखा हुआ है, वर्ड बाय और वर्ड आया, और यहाँ भी 8वीं पास लिखा हुआ है और पद का नाम यहाँ लिखा हुआ है सफाई कर्मी महिला और पुरुष, और इसमें वेतन मान दोनों में सेम है, 8,800 रुपये पर मंथ वेतन रखा गया है एक मुश्त वेतन। इसके अलावा आप यहाँ डायलिसिस टेक्नोलॉजी का देखेंगे तो इसमें 12वीं पास 10+2 पास मांगा गया और 2 वर्ष का आपका डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स किए होने चाहिए, इसमें भी 12वीं पास मांगा गया, देख सकते हैं ANM में, और इसके अलावा ANM का पास आपके होने चाहिए। लैब टेक्नीशियन में BMLT DMLT मांगा गया है, नर्सिंग स्टाफ में BSc Nursing मांगा गया है। तो इस तरह से आप इसमें एक मुश्त वेतन और शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं। चलते हैं, आप आवेदन कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, कौन आवेदन करेगा, स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी है ये कहाँ निकाला गया है, बलरामपुर रामानुजगंज जिला छत्तीसगढ़ में निकाला गया है और चिकित्सा विभाग की ये भर्ती है। और ये हम आपको यहीं पर क्लियर कर देते हैं, ये जो भर्ती है ये संविदा भर्ती है। आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ एक लाइन खींच दिया, ये संविदा भर्ती है दोस्तों। और आपको सारे डॉक्यूमेंट को आपको यहां दिया हुआ है 22/2/2021 इसी दिन सुबह 9 से 12 बजे, देख सकते हैं 9 से 12 बजे आपको कार्यालयीन समय दिया हुआ है, 9 से 12 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर में समस्त पदों के पंजीयन हेतु उपस्थित होंगे। आपको स्वयं जाकर वहां पंजीयन कराना होगा, इसी तरह से इसमें बताया गया है, और आप सीधे आपको जमा करना होगा इसी डेट पर, इसके बाद आप आवेदन जमा नहीं कर पाएंगे। आवेदन फार्म हालांकि आपको सीधे वहीं जमा करना होगा, यहाँ बताया गया आवेदन पत्र के ऊपर आवेदित पद का नाम और वर्ग आपको अवश्य लिखना होगा। अपूर्ण और समय सीमा के बाद अर्थात दोपहर 2 बजे के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस तरह से यहाँ अपडेट किया गया है। और ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जो दिया हुआ है, पूरा डिटेल यहाँ, डिमांड ड्राफ्ट भी आपको देने होंगे, चलान के रूप में कुछ पैसा देना होगा आपको जो कि STSC और जनरल के लिए अलग अलग रहता है, और DD आपका बैंक में बन जाता है दोस्तों। तो अगर आप इच्छुक हैं तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको ये सारे जो लाइन दिए हुए हैं, जिसके यहाँ दिया हुआ है आवेदक का पूरा नाम हिंदी में लिखना होगा, अंग्रेजी में लिखना होगा, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आवेदक का कौन जाति वर्ग है, ये सारे आपको यहाँ पर भरने होंगे, और आपके सारे दस्तावेज हैं उसको लेकर फोटो कॉपी लेकर आप सब प्रमाणित करेंगे और यहाँ अटैचमेंट कर वहाँ जमा करेंगे। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। आपको इसका PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, सॉरी दोस्तों, इसमें आपको कितना DD लगेगा वो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको 100 रुपये का DD लगेगा चाहे आप कोई भी वर्ग से बिलोंग करते हो, और किसके नाम से रहेगा वो DD यहाँ बताया गया है। जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों।